अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का पार्ट टू लेक्चर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर वन में क्लासिफिकेशन देखी थी कि हम अकॉर्डिंग टू शेप्स बैक्टीरिया को किस तरह क्लासिफाई करते हैं, और हमने कोक्साई बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बेसिलाई, विब्रियो और स्पायरेलाई बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेसिलाई। बेसिलाई रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप कैसी होती है? इस तरह की। और इनकी लेंथ कितनी होती है? 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। और ये इनकी डिवीज़न कैसी होती है? 1 प्लेन में। कोक्साई बैक्टीरिया में भी हमने देखा था कि उसकी डिवीज़न कोई 1 प्लेन में हुई थी, कोई 2 प्लेन में, कोई 3 में, लेकिन इनमें कैसी होती? 1 प्लेन में। अब 1 प्लेन क्या होता है? आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास ये एक्स प्लेन होता है या एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इनमें से किसी भी एक प्लेन में अगर अरेंज हो रहे हैं रॉड शेप के बैक्टीरिया, तो हम बोलेंगे कि वो 1 प्लेन में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। सर ये वैसे लाए हैं, ये इस तरह एक ही प्लेन में डिवाइड होकर अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। बेसिलाई की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? मोनो बेसिलाई, डिप्लो बेसिलाई, स्ट्रेप्टो बेसिलाई और पैलीसेड्स। अब मोनो बेसिलाई क्या होते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल और बेसिलाई मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया। तो अब ये किस तरह के होंगे? एक इस तरह रॉड शेप का एक एक सेल होगा बैक्टीरिया का। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? दीज बैक्टीरिया अपेयर एज सिंगल रॉड सेल होता है इनका। इसकी एग्जांपल क्या है? बेसिलस सीरियस। ये मोनो बेसिलाई की डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं कि एक एक बैक्टीरिया जो सिंगल है वो मोनो बेसिलाई है। अब है डिप्लो बेसिलाई। डिप्लो का मतलब होता है डबल और बेसिलाई मतलब रॉड शेप। अब ये रॉड शेप बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को अरेंज करते हैं पेयर्स की फॉर्म में। पेयर का क्या मतलब होता है? कि दो चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं। और इनकी एग्जांपल क्या है? मोरगजेला बोविस। ये किस तरह होते हैं? ये एक है और ये दूसरा। ये नहीं होगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अपने आप को 1 प्लेन में अरेंज करते हैं। तो एक ये बेसिलाई और एक ये, तो दो मिल के क्या बना रहे हैं? डिप्लो बेसिलाई। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये एक रॉड शेप और ये दूसरा रॉड शेप, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या बना रहे हैं? डिप्लो बेसिलाई। अब है स्ट्रेप्टो बेसिलाई। स्ट्रेप्ट का मतलब है चेन और बेसिलाई रॉड शेप। अब ये कैसे होंगे? अपने आप को चेन में अरेंज करेंगे। तो इसमें डेफिनेशन में भी यही लिखा है, ये लॉन्ग बेसिलाई होते हैं, मतलब लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है? बेसिलस सबटिलस। इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो रही है और सारे रॉड शेप बैक्टीरिया आपस में कंबाइन हो रहे हैं। उसके बाद है पैलीसेड्स। अब ये क्या होते हैं? ये ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं कि इनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा होता है। और इनको हम चाइनीज़ लेटर बैक्टीरिया भी बोलते हैं क्योंकि उसकी तरह दिखते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है? स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस। अभी डायग्राम में हम देखे थे कि इस तरह के होते हैं। अब ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया, उसके साथ इस तरह अटैच है कि इनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है और ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं पैलीसेड्स। उसके बाद है कॉक्सो बेसिलाई। कॉक्स मतलब कोकाई बैक्टीरिया से भी इसकी रिजेम्बलेंस है और बेसिलाई से भी, कि रॉड शेप और ओवल शेप इन दोनों के बीच की कोई शेप होगी। तो ये कैसे होते हैं? स्मॉल रॉड्स होते हैं या ओवल्स होते हैं। इनको हम स्कैटर्ड बेसिलाई भी बोलते हैं कि ये फैले हुए होते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है? शेरिकिया कोलाई। अब ये इधर आप लोग देख सकते हैं ये रॉड से भी मिलते जुलते हैं और स्फेरिकल से भी मिलते जुलते हैं, तो इनमें दोनों की करेक्टरिस्टिक होती हैं। उसके बाद है स्पायरेलाई बैक्टीरिया।
ये किस तरह के होते हैं? वेव लाइक बैक्टीरिया होते हैं, और ये भी अपने आप को एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं, और ये हमेशा सिंगल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। और इनकी दो टाइप्स होती हैं, स्पायरोकीट्स और स्पायरिलम। अब स्पायरोकीट्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग और थिन बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वेव्स कैसी होती हैं? स्मॉल इन साइज़ होती हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें से आपने ये दो पॉइंट लास्ट में याद रखने कि स्मॉल इन इनकी वेव्स जो हैं वो स्मॉल होती हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनकी इनके साइज़ कितना होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर्स। और इनकी एग्जाम्पल क्या है? ट्रेपोनिमा पैलेडम। इनकी जो वेव्स होती हैं इस तरह स्प्रिंग की तरह होते हैं, तो ये जो इनकी वेव्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होती हैं। अब यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह स्प्रिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्पायरिलम क्या है? थिक वॉल्ड स्मॉल रिजिड बैक्टीरिया। इसमें आपने ये याद रखना है, रिजिड स्पायरोकीट्स कैसे थे? वो फ्लेक्सिबल थे, मतलब फ्लेक्सिबल जैसे रबड़ की तरह होते हैं उस तरह, और रिजिड मतलब सख्त। ये रिजिड होते हैं, इनकी वॉल भी जो है थिक होती है और इनकी वेव्स लॉन्ग होती हैं। ये दो आपने पॉइंट्स याद रखें, ताकि अगर स्पायरोकीट्स और स्पायरिलम में डिफरेंस करने के लिए आए तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकें उन दोनों को। और इनका साइज़ कितना होता है? 0.25 से 1.7 माइक्रोमीटर्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्पायरिलम वॉल्यूटेम्स। अब ये स्पायरोकीट्स और स्पायरिलम के चार चार डिफरेंस हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ से। ये है स्पायरिलम। अब स्पायरोकीट्स कैसा था? इस तरह का। और स्पायरिलम कैसे? तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब लास्ट हमारे पास टाइप है विब्रियो। विब्रियो किस तरह का बैक्टीरिया होता है? ये कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, या कर्व शेप भी बोल सकते हैं, और ये भी हमेशा सिंगल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ना इसकी डबल वाली फॉर्म होगी ना ट्रिपल वाली, बस ये सिंगल सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? विब्रियो कॉलेरा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किस तरह इसकी कर्व शेप है, कोमा शेप, और इनमें ये फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी शेप्स हैं जो मतलब बहुत अनकॉमन है, जो कॉमनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती, जैसे ये स्टार शेप का बैक्टीरिया है, ये रेक्टेंगुलर शेप का बैक्टीरिया है, और ये है प्लियोमॉर्फिक शेप बैक्टीरिया, मतलब डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया, कोई इनकी स्पेसिफिक शेप नहीं है। और ये फिलामेंटियस बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फिलामेंट की तरह होते हैं, धागे जैसे होते हैं, थ्रेड्स उनकी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। इनमें से आपने सिर्फ जो मेन टाइप्स हैं, बेसिलाए, कॉक्साए, विब्रियो और स्पायरेला बैक्टीरिया, ये चारों आपने करनी है। अब यह आज के लेक्चर से रिलेटेड एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप का बैक्टीरिया है, ये बी में कौन सा बैक्टीरिया है, सी कौन सी टाइप है, डी, ई, और ये एफ में किस बैक्टीरिया की शेप है, जी में कौन सी है, इसके सिर्फ आपने नाम बताने। तो अगर आप लोगों को इसके आंसर्स आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपका शेप्स और बैक्टीरिया, जो हमने पार्ट वन और पार्ट टू में कवर किया है, इसमें से जो है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं कि शेप्स और बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें, और शॉर्ट में आप लोगों से एग्जांपल पूछ सकते हैं कि कॉक्साई की दो एग्जांपल लिख दें, या बेसिलाई की, या विब्रियो की। तो इस तरह के शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं, तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।